अमेरिका का दावा, रूस ने किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, फिर से जड़ा अंतरिक्ष में हथियार बढ़ाने का आरोप। हम आप तक इस खबर को पूरी डिटेल्स में पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। अमेरिका और रूस के बीच सैन्य ताकत का टकराव अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसी कड़ी में अमेरिका की स्पेस कमांड ने दावा किया है कि रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने आरोप छड़ दिया है कि रूस अंतरिक्ष में हथियार बढ़ा रहा है। इससे एक दिन पहले ही आर्म्स कंट्रोल पर रक्षा और गृह विभाग ने भी चर्चा की थी। गौरतलब है कि अमेरिका रूस आर्म कंट्रोल ट्रीटी के खत्म होने में कुछ ही महीने बाकी है और मॉस्को और वॉशिंगटन ने समझौते के विस्तार पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक मतभेद बरकरार है। अमेरिकी स्पेस कमांड ने दावा किया है कि वे अमेरिका और अपने सहयोगियों के हितों की अंतरिक्ष में आक्रामकता से सुरक्षा करेगा। इससे पहले अमेरिका के स्पेस कमांड ने अप्रैल में दावा किया था कि रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की थी। वहीं जुलाई में रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के दावों को खारिज किया था। उल्टा रूस ने आरोप लगाया था कि खुद अमेरिका अंतरिक्ष में हथियार तैनात करना चाहता है। रूस ने बताया था कि उसने जो परीक्षण किया था उससे स्पेस में किसी तरीके के मलबे की वजह से खतरा पैदा नहीं हुआ था। अमेरिका ने भी माना था कि उसने किसी मलबे को ट्रैक नहीं किया है। न्यू स्टार्ट समझौता 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच किया गया था। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों को सिर्फ 1550 परमाणु हथियार तैनात करने और 700 मिसाइलें और बम वर्षक विमान तैनात करने की इजाजत है। दोनों देशों के 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी से बाहर होने के बाद सिर्फ न्यू स्टार्ट ही ऐसा समझौता था जो दोनों देशों के बीच कायम है। एक्सपर्ट्स को चिंता इस बात की है कि ये भी खत्म हो गया तो ना सिर्फ दोनों देशों की सेनाएं अनियंत्रित होने का खतरा होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता भी खतरे में आ जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व के सभी देशों के लिए अंतरिक्ष ही आजकल युद्ध का मैदान बन रहा है और ये सबसे बड़ा खतरा है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ये थी अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई आज की कुछ लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।